महिंद्रा 215 युवराज नेक्स्ट मिनी ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, कितनी सब्सिडी मिलती है, कितनी प्राइस है, और स्टार्ट करके इसका आवाज़ भी सुनेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके एचपी की बात करें तो 15 एचपी के साथ में इसका इंजन 863.5 सीसी का इंजन है, और इंजन रेटेड आरपीएम है वो 2300 आरपीएम के साथ में इसका इंजन है, और वाटर कूलर के साथ में इसका कूलिंग सिस्टम है। एयर फिल्टर की बात करें तो ऑयल बाथ टाइप इसका एयर फिल्टर है, और अगर गियर की बात करें तो 6+3, 6 फॉरवर्ड के लिए और 3 रिवर्स के लिए इसके अंदर गियर है, और इसके अंदर डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर के साथ में ट्रैक्टर है। और दोस्तों, अगर स्टीयरिंग की बात करें तो मैनुअल स्टीयरिंग है, इसमें पावर का ऑप्शन नहीं है। और जो इसका पिछला हिस्सा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका पीटीओ एचपी 12 एचपी के साथ में, और लिफ्ट कैपेसिटी जो है वो 778 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में इसका पिछला हिस्सा है, ये आप देख सकते हो। ट्रॉली वगैरह भी जोड़ सकते हैं आप इसके अंदर। जो भाई मिनी ट्रैक्टर लेना चाहते हैं वो एक बार इसका टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, बैठने के लिए भी एक दो बंदे बैठ सकते हैं। और जो इसका पिछला टायर है वो 818 का पिछला टायर है इसके अंदर, और राइट साइड इसकी बैटरी लगाई गई है, बिना बॉक्स के बैटरी है, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों, सिंगल सिलेंडर यह ट्रैक्टर है, एक सिलेंडर ट्रैक्टर है, 15 एचपी के साथ में। ड्राई डिस्क ब्रेक है इसके अंदर, आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन पैंडल की। और गियर की बात करें तो 6+3, 6 फॉरवर्ड के लिए और 3 रिवर्स के लिए, और ड्राफ्ट और पोजीशन के लिए सीट के बिल्कुल बगल में इसके लिए लीवर दिए गए हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जो कि इसकी प्राइस की। तो दोस्तों, इस ट्रैक्टर की प्राइस, मिनी ट्रैक्टर की प्राइस लगभग 2.5 लाख से लेकर के 2,75,000 रुपये तक होती है, और इसके अंदर 45,000 रुपये गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी मिलती है। आप अपने स्टेट में पता करें, और प्राइस भी वैसे हर जगह अपनी अपनी होती है, टैक्स वगैरह तो अलग होती है, लेकिन 2.50 से लेकर के 2.75 के आसपास में इसकी प्राइस रहती है। और दोस्तों, अब इसको करते हैं स्टार्ट और सुनते हैं इसका आवाज़। तो दोस्तों, ये था महिंद्रा 215 युवराज का आवाज़, और इस ट्रैक्टर का टेस्ट ड्राइव लेने के लिए इसको रोड पे ले जाना पड़ेगा शोरूम से बाहर, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो के अंदर, खेत में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, एवरेज कैसा है, वो भी हम देखेंगे। और दोस्तों, इस ट्रैक्टर के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।